ना मुझे एक बात बताइए, आपके पति को सारे मैटर पता है? हाँ, पति को पता है। तो आपके पति कुछ बोलते हैं? मतलब कि ये जो चीजें हैं मैंने पति को नहीं बताया। अच्छा, ओके। सो प्रेरणा, ये बताओ, अभी जैसे इतने सारे लोग हैं, अब ये अगली स्टेप क्या चाह रही है, अब क्या करना चाह रही है? मैं तो मतलब कि बस मैं नॉर्मली काम करना चाहती हूँ, भले बिजली शूट हो नॉर्मल शूट हो मैं कर लूंगी, पर कि किसी के साथ सोके नहीं काम। एग्जैक्टली। और मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी आपने चुल के लिए फिल्म की, बुल के लिए सॉरी, तो जो आप सीरीज करने गए, तो जितना आपको बोल्ड बताया था उतना ही बोल्ड हुआ, हाँ, राइट? उतना ही बताया। और आपसे जैसे गौरव था, मैं जो कि गौरव को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सो जैसे सीन आपको बताए गए थे उतने ही सीन उसने भी किया, करेक्ट? वो कोई हाँ, जबरदस्ती तो करता नहीं मैं है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, मुझे बताएं, शूटिंग सेट पे आपको लगता है, शूटिंग सेट की बात कर रहे हैं, जो जेन्युइन काम है, क्या वो लोग कभी किसी आर्टिस्ट के साथ फोर्स कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, है ना? मतलब एक्टिंग किसी के साथ फोर्स करके नहीं करवाई जा नहीं। सकती, है ना? सो जो लोग काम कर रहे हैं, वो भले टॉपलेस कर रहे हैं या जो न्यूड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, है ना? क्योंकि कैमरे के सामने तो अगर आपके साथ जबरदस्ती होगा, एक्सप्रेशन दिखेगा, राइट? जैसे कि जब आप पहली सीरीज कर रहे थे, आपकी पहली सीरीज थी, है ना, तो किसी मूवमेंट पे आप नर्वस रही होंगी, थी नर्वस फिल्म में, हाँ, है ना? तो अगर आप नर्वस थी तो कैमरे में तो दिखा होगा कि आप नर्वस हैं। मतलब जो कास्टिंग कर रही थी ज्योति करके, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मैंने उसको कॉल किया, उसने मुझे कॉल ही नहीं किया, मतलब कि फोन ही नहीं उठाया उसने। अगर ओके। मैसेज भी करो ना, कोई रिप्लाई नहीं करती, कोई फोन नहीं उठाती। अच्छा, ज्योति प्राइम के वाले हैं। या पर सब लोग बोलते कि वो किसी का भी फोन नहीं उठाती, अगर उसको जरूरत है तो वो आपको फोन करेगी, अगर उसको जरूरत नहीं है तो ना फोन उठाएगी ना मैसेज कर पाएगी। लेकिन एक चीज अच्छी है कि उसने जो बोला उसने वही दिया, उसमें से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, करेक्ट? हाँ, आपके साथ कोई झूठ बोल के कास्टिंग नहीं। नहीं हुई। तो मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर एक आर्टिस्ट नर्वस है तो उसके चेहरे पे नर्वसनेस दिखेगी, राइट? और अगर एक आर्टिस्ट कंफर्टेबल है तो दिखेगा। तो इसका मतलब कैमरे के सामने आप किसी के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जो चीटिंग होनी है, जो फ्रॉड होना है, या तो वो शूट के पहले होगा या शूट के बाद होगा, बंद कमरे के अंदर, है ना, कैमरे के सामने नहीं हो सकता, है ना? तो मुझे एक बात बताएं, मतलब यू आर क्लियर कि जो होता है वो आपको पता होता है, जो भी आर्टिस्ट सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, है ना? तो जो आर्टिस्ट आपके साथ थे, चाहे वो गौरव थे, जो भी थे, अब इनको क्यों नहीं बोलती है कि ये लोग आपको कुछ कॉन्टेक्ट दे, क्योंकि तो रोज काम कर रहे हैं। अब मालविका को पूछो, मैं पर्सनली नहीं जानती, बट आई एम श्योर अच्छी होगी, तभी वो काम कर रही है, जो भी लोग हैं, अब इनको क्यों नहीं बोलते हैं कि आपको काम दे? मुझे मतलब कि ऐसे किसी से बात करने में, अब काम करने में नहीं अच्छा मैं आपको सजेशन दूंगी, ये जो एक्टर अब जिस भी सेट पे जा रही हैं, जो भी सेट आप काम कर रही हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, लगता। आजकल तो सब अपना अपना फायदा ही देखते हैं, कोई किसी को काम नहीं बताएगा। भाई, तुमको काम देने से अच्छा मैं पहले काम जाके करूंगा। तुम्हें देने से अच्छा मैं ही जाके कर लेती हूँ, मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे पैसा मिलेगा। तो भाई, जा उधर, हमें क्या करना है? इससे अच्छा किसी से बोल के अपनी बेइज्जती नहीं करानी। आएगा का सामने से तो करेंगे, नहीं आए बैठ जाएंगे। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट्स योर फ्यूचर स्ट्रेटजीज, क्या प्लान्स हैं आपके? मैं तो मतलब कि वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँ, मैं खुद के पैर पे खड़ी हो जाऊँ, मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना लगे, ना किसी को कुछ बोलने की जरूरत ना लगे। तो ये तो आप चाहती हैं, ये मैं समझ गई आपकी चाहत। आप काम क्या करेंगी? अभी जैसे लोग आपको कॉल नहीं कर रहे काम के लिए, नहीं होता, आपके दिमाग में क्या है? आप अपने घर संभालेंगी या कहीं जॉब करेंगी या क्या करें? कुछ तो होता है ना, सोचते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या? जॉब करने के लिए तो ऐसे तो जॉब तो कर सकते, पर हाँ, बच्चे संभालने के लिए तो कोई चाहिए, तो बच्चे संभालने के लिए कोई है नहीं। तो चलो, एक दिन का शूट होता है, 2 दिन का शूट हो जाता है, तो उसमें पैसे मिल जाते, तो वही एडजस्ट हो जाता है, पर ऐसे डेली जॉब के लिए नहीं जा सकती हूँ। ओके। सो आई विश यू लॉट्स ऑफ लक कि आप अच्छा काम करें, मैं चाहती हूँ, और गलत लोगों से बचे रहें, और जो भी करें, इट्स माय सजेशन टू एवरीवन। आपको कोई भी आपको कास्टिंग वाला अप्रोच कर रहा है, आप उससे उसका इंस्टाग्राम हैंडल मांगें, इंस्टाग्राम उसका देखें, उसने क्या काम किया है। कोई प्रोड्यूसर बोले, अगर वो कार्ड कोऑर्डिनेटर कह रहा है कि वो नया है, तो मत काम करिए, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? आपका नंबर उसको कहाँ से मिला, किसने दिया, ये पता होना आपका हक है। कौन सी फिल्म में कौन सी स्टोरी है, कौन से एक्टर होंगे, ये जानना आपका हक है।
आपको जो पैसे बताए जा रहे हैं वो आपको चेक से आ रहे हैं, कैश आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं ये भी जानना आपका हक है। कोऑर्डिनेटर 20% ले रहा है, 25 ले रहा है, 15 ले रहा है, 10 ले रहा है, ये भी जानना आपका हक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आउट ऑफ बॉम्बे बहुत कम काम होते हैं, तो जो लोग जेन्युइन है वो यहीं पे काम करेंगे। मीटिंग्स आपकी ऑफिस प्लेसेस पर ही होंगे, ऑफिस में मिलेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी आपको बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ वैसे तो वो तो बोल ही रहा था कि मतलब कि मेरे घर पे आके शूट करेंगे। उसको बोलो ना कि तुमने घर का वीडियो तो भेज, मैं भी तो देखूँ, 20 लाख में तो लायक है कि नहीं है। सो दोस्तों इन चक्करों में ना पड़े, दीज ऑल आर लाइक फ्रॉड पीपल एंड स्टे अवे। सो आपका इंस्टाग्राम क्या है बताएं ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। मेरा इंस्टा तो प्रेरणा विश्वा से ही है, विश्वकर्मा। ओके, सो इनका इंस्टा हैंडल है प्रेरणा विश्वकर्मा, डू फॉलो हर। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी जेन्युइन काम है, जेन्युइन मतलब एब्सोल्युटली जेन्युइन, नो हैंकी पैंकी, तो प्लीज डू अप्रोच हर, बी क्लियर विद हर। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की एक्सप्लॉइट हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।